भारत के एक महान हिंदू शासक जिन्होंने अपने धर्म और अपने राष्ट्र के लिए अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी बलिदान कर दिया। आइए जानते हैं मथुरा के राजा कुलचंद्र यादव का इतिहास। जब महमूद गजनवी भारत पर अपना आतंकपूर्ण इतिहास लिख रहा था और अपनी क्रूरता से भारत की महान संस्कृति को नष्ट कर रहा था, उस समय इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए सबसे आगे रहे मथुरा के राजा कुलचंद्र यादव। 1018 ईस्वी को महमूद गजनी का आतंकी और आक्रांता सैन्य दल उस समय के बुलंदशहर पहुंचा। उसके सैन्य दल में 30,000 से अधिक सैनिक थे। महमूद गजनी की सेना ने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित कर दिया। हरदत्त ने मृत्यु से बचने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम को अपना लिया, लेकिन राजा कुलचंद्र को यह बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए कुलचंद्र ने भारत की वीर क्षत्रिय परंपरा का परिचय देने का निर्णय लिया। राजा कुलचंद्र यादव ने अपने यादव सैनिकों को साथ में लेकर माँ भवानी के जयकारे के साथ और हाथ में भगवा लिए निकल पड़े महमूद गजनी की सेना का सामना करने के लिए, और उनके साथ थी उनकी रानी। दोनों पूरी तरह से मन लगा कर आए थे कि या तो आज वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे या फिर अपने धर्म की रक्षा करके इन मलेच्छों को भारत की वास्तविक शक्ति से परिचित कराएंगे। महमूद गजनी की सेना और कुलचंद्र की यादव सेना के बीच युद्ध हुआ। अत्यंत भयानक युद्ध था, लेकिन अंत में जब राजा कुलचंद्र ने यह देखा कि उनकी बड़ी सेना धर्म वेदी पर वीर गति को प्राप्त हो गई है और अब वह भी शत्रु के हाथ मारे जाने वाले हैं या कैद किए जाने वाले हैं, उनको अपनी रानी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनके मृत्यु के बाद भी उनकी रानी को यह मलेच्छ छू भी नहीं पाएंगे। इसलिए वो निश्चिंत होकर युद्ध कर रहे थे। परंतु जब उन्हें यह लगा कि अब वह अधिक समय तक महमूद गजनी की सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने शत्रु के हाथों मरने से अच्छा यही समझा कि वह स्वयं ही अपने हाथों से अपने प्राणों को त्यागे। इसलिए राजा कुलचंद्र ने अपनी तलवार निकाली और अपनी रानी को मारने के बाद स्वयं को बलिदान कर दिया और माँ भारती की सेवा में 2 पुष्प चढ़ा दिए। इतिहास के इस क्रूर मौन से कब पर्दा हटेगा जिन्होंने हमारे महान हिंदू शासकों को इस तरह छिपा कर रखा है।